सिटी का कोई स्टोर जो है ना अपना स्टोर और आसपास, मुझे अगर पता चला कि यहाँ से कोई नशे का जा रहा है उसके खिलाफ फिर सब कर रहे हैं। कोई एवर का इंजेक्शन नहीं, कोई किड्स का इंजेक्शन नहीं, कोई नैलबिन का इंजेक्शन नहीं, कोई नार्कोटिक स्टीरॉइड मेडिकल स्टोर पे तो होनी नहीं चाहिए। नार्कोटिक स्टीरॉइड वो हमें अलाउ ही नहीं है। मुझे, मैं अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि ये क्या मेडिकल स्टोर है, किसी फार्मेसी से तो नहीं गए इंजेक्शन जी, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही जी जी। उसमें जो इन्वॉल्व आएगा ना फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे जो मर्जी होगा। ठीक है सर, तो ये आपने अपने सारे स्टोर तक भी मैसेज दे देना, मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ पूरे तिरुपट्टी का, और अपनी एसोसिएशन को भी कहती जो भी आपकी एसोसिएशन है कि ये चीज़ें ना हो गया। कई महीने हो गए हैं ऑनलाइन तरीका, अब आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है जी, सारे डॉक्यूमेंट जो है अपनी फ़ीस जो उतारी उसकी तस्वीर, अपने एफिडेविट की तस्वीर, सारी चीज़ें वो लिस्ट होगी वहाँ उस पर अपलोड कर देना है। अपलोड करके सबमिट करेंगे, वो जाके चेक होने लग जाएगा, 15 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, मेरे पास ऑनलाइन फ़ोन पे आएगी, मैं आके चेक कर दूँगा। ठीक है, ये सब इसलिए किया है कि ये फीस का बहाना, ये बहाने वो बहाने के दफ्तर में कोई नहीं सुन रहा है, दफ्तर में अगर नहीं वाकई नहीं सुन रहा कोई तो उनकी भी चीज़ ख़त्म हो। वो जहाँ पे वो रास्ते में फार्मेसी है, उसने अपने आप को ओवरडोज लगाई है, 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके गए हैं। मतलब वो दे रहे हैं क्यों, कमी नहीं है पेशेंट का, नॉर्मल है, एक्स्ट्रा एक्सटेंड है भी थोड़ी सी। जैसे किन्स है जी, अपने पास आया है ना जी, जैसे ही आता है रिसीव करते हैं इसकी सप्लाई के साथ जी, मैं ठीक है सर। किन्स वगैरह इस तरह इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लेता था नहीं। मुझे तो इंजेक्शन मिल गया ना नार्कोटिक स्टेरॉइड, मैंने सील कर देना, मैं बता रहा हूँ अगर कोई मुझे मिल गया।